तो मैं अपना बताता हूँ कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था इसके लिए। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में जब आपके पास जैसे टाइम कम होता है, तो टाइम जब कम है तो आप सिर्फ उस चीज़ पर फोकस करते हो विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए जैसे क्लियर करना होता है, तो सबसे पहली चीज़ ये पता होनी चाहिए कि आखिर वो क्वेश्चन किस तरह का पूछते हैं, क्योंकि उसी हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल बुक है ये मेड ईजी की। इसमें ये देखो, ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 22 साल के। तो सबसे पहले हम इसको स्टडी करते हैं, क्योंकि इसको पढ़ लेंगे एक बार तो हमको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में जो एंटायर सब्जेक्ट है उसमें हमें किन एरियाज़ पर फोकस करना है, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। तो उस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे इंजीनियरिंग सर्विसेज में सब्जेक्ट्स हैं, टोटल 13-14 सब्जेक्ट्स हैं, तो उनको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से? पहला है स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स और दूसरे हैं नॉन स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स। तो बिकॉज़ यू आर मोर फैमिलियर विद स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स, तो पहले हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये बुक है उस पर। अच्छा, तो इसमें अब अगर इंडेक्स देखोगे आप, तो इसमें ये क्या है, ये 6 सब्जेक्ट्स हैं जो कि स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स हैं। इसमें से अब जैसे मैंने क्या देखा, पहले तो सब्जेक्ट्स ही पढ़ लिए कि हाँ हमें आइडिया लग गया कि हैं कौन कौन से स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स। अब उसमें फॉर एग्जांपल सॉलिड मैकेनिक्स की मैं बात करूँ, तो जब मैंने सॉलिड मैकेनिक्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये सारे के सारे क्वेश्चन बेसिक फॉर्मूले बेस्ड हैं। तो अगर मैं फॉर्मूला रिवाइज़ कर लेता हूँ तो सॉलिड मैकेनिक्स मेरा कवर हो जाएगा। स्ट्रक्चरल एनालिसिस के जब सारे क्वेश्चन कर लिए, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से हर एक सब्जेक्ट जब आप सॉल्व करते जाओगे, तो उसके बाद आपको एक लर्निंग मिलेगी कि हाँ मुझे कैसे इंप्रूव करना है इस सब्जेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे RCC है, तो RCC में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं और दूसरा थियोरी के लिए प्रोविजन्स रटने हैं। तो ये पता चल गया, ठीक है। अब इसमें यू मोस्ट फैमिलियर विथ स्ट्रक्चरल एनालिसिस, तो पहले हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है 235 पेज पे। तो अब जैसे ये आ गए स्ट्रक्चरल एनालिसिस, तो इसमें सबसे पहले आप सिलेबस देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में उन्होंने टॉपिक्स कौन कौन से पूछे हुए हैं। क्योंकि जो हमने कॉलेज में पढ़ा है, कॉलेज में तो हमने कई चीज़ पढ़ी होंगी ना, लेकिन उसमें से रेलेवेंट क्या है इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, वो इस सिलेबस से आपको पता चल जाएगा। उसके बाद ये जो भी सिलेबस है, इसको उन्होंने डिवाइड कर दिया है मेड इजी वालों ने इन 6 चैप्टर्स में। तो अगर अब तुम देखोगे कि इसमें मैंने ब्रैकेट में क्या कर दिया है, ब्रैकेट में लिख दिए कि किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें एक नज़र में हमको पता चल जाएगा कि ये जैसे मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, उससे 132 क्वेश्चन आए हैं। मतलब दिस इज़ द एरिया जिसको कि हमको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस, मतलब वही मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, स्लोप डिफ्लेक्शन, वो सारा रहा होगा इसमें। इसके बाद सेकेंड नंबर पर अगर हम देखें तो फिर ट्रसेस से वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी से पूछते हैं। तो इससे हमको क्लियर कट आइडिया लग गया कि हमको जैसे अगर टाइम कम है तो हमको किन चैप्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज़ करना है, ठीक है। अब एक एग्जांपल के लिए जैसे हम देख लेते हैं डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी वाला चैप्टर। अब जैसे ये वाला चैप्टर देखते हैं हम, डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी वाला, इसमें उन्होंने क्वेश्चन दिए हैं ईयर 1998 से लेके 2016 तक के दिए हैं उन्होंने क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, बल्कि मैं क्या करता था, मैं बिना पढ़े, जैसे मुझे ये चैप्टर पढ़ना है थियोरी से, थियोरी समझने के बाद सॉल्व करूँगा ना, बट मैं क्या करता था, मैं सिंपली सबसे पहले क्वेश्चन देख लेता था। अगर आप सिंपली बिना कुछ पढ़े सिर्फ क्वेश्चन ही देख लोगे, तो आपको तो पहले ये समझ में लेना होगा कि इससे ये आइडिया लग जाएगा कि मतलब आप कौन कौन से एरिया से आ रहा है उस चैप्टर से क्वेश्चन। फिर इन सारे क्वेश्चंस को देखने के बाद आप उनको दो पार्ट में डिवाइड कर लो कि न्यूमेरिकल वाले कौन से क्वेश्चंस हैं और थ्योरेटिकल वाले कौन से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो जब आप थ्योरेटिकल वाला, फॉर एग्जांपल ये वाला है थ्योरेटिकल वाला क्वेश्चन, तो इसको फिर जब आप नोट्स में पढ़ने जाओगे तो आपके पास एक दिमाग में आइडिया रहेगा कि हाँ मुझे कौन कौन से एरियाज़ पर फोकस करना है, क्योंकि नोट्स में भी बहुत सारी डिटेल दी होगी, जैसे हम मेड ईजी के ही नोट्स बुलवा लेते हैं। तो इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद हमको ये आइडिया लग जाएगा कि हमको उन नोट्स में भी किन एरियाज़ पर फोकस करना है, ठीक है। अब इस चैप्टर को वैसे अगर हम मोस्टली पलट पलट कर देखें तो यही एक आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, मतलब डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी ही पूछी जाती है, स्टैटिक और काइनेमेटिक, ठीक है, उसी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, बाकी इसमें न्यूमेरिकल्स कम है। तो मतलब ये समझ में आ जाएगा कि जब हम पढ़ने बैठेंगे तो इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो थ्योरेटिकल एक दो क्वेश्चन हैं उनको आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, नोट कर सकते हो अलग से एक कॉपी में, जिससे आप उन थ्योरेटिकल को एक ही दो बार पढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे। सेकंड चीज़ क्या करता था मैं ये कर लेता था कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने सॉल्व किया इसको एक बार, मैंने क्वेश्चन पहले देखे, फिर मैंने थ्योरी पढ़ी, फिर मैंने जब इसको सॉल्व किया, तो उसके बाद क्या हुआ कि सपोज़ कोई क्वेश्चन नहीं आया मुझे, तो उसके ऊपर मैंने टिक लगा दिया, ठीक है। तो इससे क्या है, नेक्स्ट टाइम जब मैं देखूंगा तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि हाँ कौन कौन से क्वेश्चन पिछली बार नहीं हुए थे, ठीक है।
अभी सबसे बड़ा एडवांटेज इस बुक के साथ क्या है, वो ये है कि सपोज़ इसमें कितने क्वेश्चंस हैं, 43 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं स्टैटिक डिटर्मिनेसी और काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी इस चैप्टर के ऊपर। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है। तो सपोज़ थ्योरी पढ़ने के बाद भी अगर हमसे कुछ क्वेश्चन नहीं होते हैं तो इसके पीछे इनके डिटेल्ड सॉल्यूशंस हैं, तो आप इनको यहाँ से आसानी से देख सकते हो। ठीक है, तो दिस वॉज़ द बेसिक आइडिया कि आप कैसे मतलब कर सकते हो, मतलब मैंने कैसे अपनी प्रिपरेशन की थी, मैं इसी तरह से करता था। मतलब सबसे मतलब ईजीएस्ट वे है, सबसे शॉर्टकट तरीका है मतलब ये करने का, कि आप पहले सब्जेक्ट सब्जेक्ट एक तो उठा लो, उसके क्वेश्चंस देख लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, उससे आपको आइडिया लग गया। वो देखने के बाद फिर अब आप थ्योरी पढ़ो, फिर इसके क्वेश्चन लगा लो, जो क्वेश्चन हो जाते बहुत अच्छा, जो क्वेश्चन नहीं हुआ उसका आपने सॉल्यूशन देख लिया पीछे से, तो कंप्लीट हो गया, आपको पता चल गया क्या पढ़ना है।